नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एलशियन ब्लू स्टेनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो एलशियन ब्लू जो स्टेन है, एक स्पेशल टाइप की स्टेन है जो हिस्टोपैथोलॉजी में उपयोग की जाती है। तो मैं डॉक्टर एस के सूत्रकार, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले म्यूशन के बारे में जान लेते हैं। म्यूशन होता क्या है? म्यूशन एक्चुअली एक कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। कार्बोहाइड्रेट, जैसा आपकी आप लोगों को पता है कि कार्बोहाइड्रेट में सिंपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारे सिंपल शुगर्स कहलाते हैं। इसी तरह इसके अंदर एक ग्रुप कॉम्प्लेक्स शुगर्स का भी होता है, जिनको पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। और पॉलीसेक्राइड जब म्यूकोप्रोटीन के साथ में कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक कॉम्बिनेशन बनती है, उसको म्यूको पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं। और ये म्यूको पॉलीसेक्राइड लॉन्ग चेन होती हैं शुगर मॉलिक्यूल्स की, और ये बॉडी में अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और स्पेशली इनका जो हाई कंसंट्रेशन वो रहता है, वो बोन्स है, कार्टिलेज है, स्किन है, इलास्टिक टिश्यू है, मेम्ब्रेन्स है, उनमें है। इसके अलावा जीआईटी म्यूकोज़ा है, और आपका रेस्पिरेटरी म्यूकोज़ा है, और प्रोस्टेटिक टिश्यू है। तो इन सब में म्यूकोप्रोटीन्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स। अगर हम म्यूसिन्स को डिवाइड करें तो इनको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो म्यूशन है वो न्यूट्रल म्यूशन है, और ये सरफेस एपिथेलियम में पाया जाता है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो होता है, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसका जो सरफेस म्यूकोसा होता है उसमें ये पाया जाता है। दूसरा ब्रूनर्स ग्लैंड जो ड्यूडेनम में रहती है, एंड प्रोस्टेटिक एपिथेलियम। तो ये तीन जो एरियाज़ हैं जहाँ पे न्यूट्रल म्यूशन मिलता है, और ये न्यूट्रल म्यूशन बेसिकली इसके लिए स्पेशल टाइप से इसको स्टेन किया जाता है, इसको पास के द्वारा स्टेन करते हैं। तो इसके बारे में आगे वाले वीडियो में हम जानेंगे कि पास स्टेनिंग क्या होती है। तो पास स्टेनिंग बेसिकली न्यूट्रल म्यूशन के लिए उपयोग की जाती है। इसके अलावा दूसरा ग्रुप जो है वो सियालो म्यूशंस का है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो स्पेशली इसका जो कंसंट्रेशन है, ये ब्रोंकियल सबम्यूकोसल ग्लैंड्स होती हैं, उनमें गोबलेट सेल्स होते हैं जो इंटेस्टाइन में, उनमें पाया जाता है, और सलाइवरी ग्लैंड्स की। तो इन सब में जो है साइलोम्यूशंस मिलते हैं। इसके अलावा सल्फोम्यूशंस भी हैं, और इनको जो है ब्रोंकियल म्यूकस ग्लैंड्स में ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो जो दो ग्रुप हैं, साइलोम्यूशंस के और सल्फोम्यूशंस के, ये दोनों एसिडिक म्यूशन कहलाते हैं। इसके पहले आपने देखा था ऊपर जो है वो न्यूट्रल म्यूशन था, जो पास से स्टेन होता है, और ये जो एसिडिक म्यूशन है इसको अपन एलशियन ब्लू स्टेन से स्टेन करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट है इसमें। अब जान लेते हैं एसिडिक म्यूशंस और न्यूट्रल म्यूशन के बारे में। जैसा कि मैंने ऊपर पहले बताया था पिछले उसमें स्लाइड्स में, कि जो एसिड म्यूशंस होते हैं इन ये बेसिकली नेगेटिवली चार्ज्ड म्यूशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इनको भी क्लासिफाई कर सकते हैं सिंपल और कार्बोक्सिल ग्रुप में, और दूसरा कॉम्प्लेक्स सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप में। तो इनको एसिड म्यूशन को दो में डिवाइड किया जाता है। तो एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया आपका, एक सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप हो गया। और ये एसिड म्यूशन, जैसा कि मैंने बताया था, कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक में इनका कंसंट्रेशन काफ़ी हाई रहता है। इसके अलावा जो न्यूट्रल म्यूशन होते हैं, इनके ऊपर कोई इनमें कोई एसिडिक ग्रुप नहीं होता, इसलिए ये इनके ऊपर चार्ज भी नहीं होता कोई, इसलिए इनको न्यूट्रल म्यूशन कहा जाता है। और ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं स्टोमक के एपिथीलियम में, और ब्रूनर्स ग्लैंड्स ऑफ द ड्यूडेनम एंड, और इनका मेन न्यूट्रल म्यूशन का जो मेन फंक्शन होता है, और ये प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब स्टोमक को एसिड कॉन्टेंट से, या ये दूसरा एब्जॉर्बेशन में भी हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो आपके इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनके लिए एक मीडियम बनाते हैं, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो अच्छी तरह से फंक्शन कर पाते हैं। इसके अलावा ये इंटेस्टाइनल वॉल और प्रोस्टेटिक एपिथीलियम की वॉल को लुब्रिकेट करते हैं। तो ये कुछ एसिडिक म्यूशन और न्यूट्रल म्यूशन के फंक्शन हैं।
अब स्टेन के बारे में बात करते हैं। एलशियन ब्लू जो स्टेन है, इसमें दो स्टेन एक्चुअली होती हैं। एक तो एलशियन ब्लू पीएच 2.5 स्टेन होती है, जिसकी पीएच करीब 2.5 होती है एक स्टेन की। दूसरी स्टेन होती है एलशियन ब्लू पीएच 1.0 स्टेन, यानी इसकी पीएच 1 होती है, जबकि ऊपर जो है उसकी पीएच जो है 2.5 होती है। तो ये जो एलशियन ब्लू जिसकी पीएच 2.5 है, ये बेसिकली कार्बोक्सिलेटेड या जो लो एसिडिटी वाले सिंपल म्यूशंस हैं उनको स्टेन करने के लिए उपयोग की जाती है। तो जिसमें कनेक्टिव टिश्यू और कार्टिलेजेस आते हैं, और गोबलेट सेल जो ईसोफेगस में पाए जाते हैं उनको भी ये स्टेन करती है एलशियन ब्लू 2.5 स्टेन। इसके अलावा जो दूसरी स्टेन है इसी ग्रुप में, एक एलशियन ब्लू जिसकी पीएच 1 है स्टेन है, ये जो स्पेशल टाइप की स्टेन है, ये बेसिकली सल्फेटेड और हाई एसिडिटी कॉम्प्लेक्स जो म्यूशन होते हैं उनको स्टेन करती है। और ये पाए जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के गोबलेट सेल्स में, ब्रोंकियल सीरस ग्लैंड्स में, एडेनोकार्सिनोमास में। तो ये दो स्टेन एलशियन ब्लू में उपयोग की जाती हैं। अब और भी अलग दूसरे प्रकार की म्यूशन स्टेन के बारे में बात करें, तो इनके अलावा जो एसिडिक म्यूशन स्टेन है वो पास भी हैं। पास है, एलशियन ब्लू 2.5 है, कोलाइडल आयरन है, एंड मेटाक्रोमेटिक डाई है। तो ये कुछ स्टेन्स हैं जो म्यूशन को स्टेन करने के लिए उपयोग की जाती हैं। एलशियन ब्लू के बारे में बात करें कि इसको बनाते कैसे हैं, तो इसको बनाने के लिए 1% एलशियन ब्लू इन 3% एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे एलशियन ब्लू जो पाउडर है इसको 1 ग्राम लेते हैं, डिस्टिल वाटर 97 ml, और ग्लेशियल एसिटिक एसिड का जो अमाउंट है वो 3 ml के आसपास लेते हैं। और इन सभी को मिक्स करते हैं और डिजोल्व करते हैं डिस्टिल वाटर में, फिर उसमें एसिड ऐड किया जाता है और उसको फिल्टर करके रिएजेंट बोतल में रख के इसका उपयोग अपन कभी भी कर सकते हैं। दूसरा, एलशियन ब्लू पीएच जिसकी 1 होती है उसको बनाने की जो प्रक्रिया है, इसमें 1 ग्राम ऑफ एलशियन ब्लू पाउडर उपयोग किया जाता है। इसके अलावा 90 ml ऑफ डिस्टिल वाटर एंड 10 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी नॉर्मेलिटी 1 होना चाहिए। तो ये जो एलशियन ब्लू है इसकी पीएच 1 होती है, तो उसको बनाने के जो ये मेथड है। अब इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करें, तो एलशियन ब्लू जो है एक पॉलीवेलेंट बेसिक डाई है विच आर वाटर सोल्यूबल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें जो ब्लू कलर होता है इसका, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर इन द मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर जो कॉपर मॉलिक्यूल इस डाई में पाया जाता है उसकी वजह से इसका कलर ब्लू आता है। और ये दोनों को स्टेन कर सकता है, सल्फेटेड और कार्बोक्सिलिक एसिड को, म्यूकोपॉलीसेक्राइड और साइलोम्यूशन को स्टेन करता है। बेसिकली ये जो एसिडिक ग्रुप होते हैं उनके बीच में साल्ट लिंकेज जो ब्रिजिंग है उसका काम करते हैं। तो इट फॉर्म्स द साल्ट लिंकेज विद द एसिड ग्रुप्स ऑफ एसिड म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स। तो ये इसका एक्चुअली प्रिंसिपल है कि बेसिकली इसका मेन काम जो है वो साल्ट लिंकेज बनाना है एसिडिक ग्रुप के बीच में, उसकी वजह से ये स्टेन लेते हैं। अब रिएजेंट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे 3% ग्लेशियल एसिटिक एसिड उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एलशियन ब्लू सॉल्यूशन और न्यूक्लियर फास्ट रेड। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड के बारे में बात करते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो इसमें हम एसिटिक एसिड को 3 ml लेते हैं और डिस्टिल वाटर जो है वो 100 ml में इसको डिजोल्व करते हैं। और ये जो सॉल्यूशन है ये 1 साल तक स्टेबल रहता है। तो ये ग्लेशियल एसिटिक प्रिपरेशन के बारे में है। अब जो एलशियन ब्लू सॉल्यूशन है इसको बनाने के लिए हम लोग जो है 3% ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेते हैं और इसका जो अमाउंट होता है वो 100 ml होता है। और एलशियन ब्लू जो पाउडर होता है इसको 1 ग्राम इसमें डिजोल्व करते हैं। 100 ml ऑफ 3% ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डिजोल्व किया जाता है। और इस एसिटिक एसिड को तब तक डिजोल्व किया जाता है जब तक इसकी पीएच जो है वो 2.5 के आसपास ना हो जाए। और फिर इसको फिल्टर किया जाता है और इसमें कुछ थायमोल क्रिस्टल्स का को ऐड किया जाता है। और ये जो सॉल्यूशन बनता है ये इसकी जो लाइफ है वो करीब 4 से 6 महीने ये स्टेबल रहता है। उसके बाद इसको यूज नहीं करना चाहिए 6 महीने के बाद।
न्यूक्लियर फास्ट रेड इसको बनाने के लिए एल्युमिनियम सल्फेट 25 ग्राम लेते हैं, डिस्टिल वाटर 500 ml और न्यूक्लियर फास्ट रेड जो पाउडर है इसको 0.5 ग्राम लेते हैं और इसमें एल्युमिनियम सल्फेट को पहले पानी में डिजोल्व करते हैं और उसमें डिजोल्व करने के बाद न्यूक्लियर फास्ट रेड को फिर इसमें ऐड किया जाता है और उसको फिर इस सॉल्यूशन को पूरी को हीट किया जाता है और हीट करने के बाद फ़िल्टर किया जाता है और उस फिल्टर करने के बाद उसमें कुछ थायमल क्रिस्टल्स को ऐड किया जाता है। और ये जो न्यूक्लियर फास्ट रेड का जो सॉल्यूशन है ये भी करीब एक साल तक इसको उपयोग में ले सकते हैं। अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले जो हिस्टोपैथोलॉजी की जो स्लाइड्स होती हैं उनको हाइड्रेट किया जाता है क्योंकि ये एक वाटर सोल्यूबल स्टेन है, तो इसको हाइड्रेशन करने के लिए जैसा कि एच एन डी स्टेनिंग में बताया था कि पहले स्लाइड्स को रिहाइड्रेट किया जाता है, तो रिहाइड्रेट करने के लिए यहाँ पे डिस्टिल वाटर का उपयोग किया गया है और उसके बाद फिर 3% एसिटिक एसिड में 3 मिनट तक इन स्लाइडों को रखते हैं। उसके बाद जो एल्शियन ब्लू सॉल्यूशन है इसमें 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव के अंदर करीब 800 वाट्स पर इसको रखा जाता है, यानी हाई पावर पर इसको रखते हैं, लेकिन इसका जो समय होता है वो 30 सेकंड का ही होता है। तो एल्शियन ब्लू सॉल्यूशन माइक्रोवेव में रखते हैं और उसको स्टेन स्लाइडों को स्टेन करने के बाद इसको माइक्रोवेव में रख के स्टेन किया जाता है। अगर इसके माइक्रोवेव हमारे पास नहीं है तो हम कन्वेंशनल मेथड भी उपयोग कर सकते हैं जिसमें एल्शियन ब्लू को रूम टेम्परेचर पर करीब 30 मिनट तक रख सकते हैं। उसके बाद फिर रनिंग टैप वाटर से इसको वॉश किया जाता है 2 मिनट तक और उसके बाद न्यूक्लियर फास्ट रेड जो स्टेन है उसका उपयोग किया जाता है और इसमें जो स्लाइड्स हैं उनको करीब 5 मिनट तक रखते हैं और उसके बाद जो इसको टैप वाटर से वॉश किया जाता है और फिर से इनको डिहाइड्रेट करके क्लियर किया जाता है और क्लियरिंग की जाती है। उसके बाद उस पर DPS के द्वारा इस पर माउंट करते हैं, कवर स्लिप लगाया जाता है। अगर हम रिजल्ट के बारे में बात करें तो जो एसिड म्यूशंस स्टेन होती हैं इसके द्वारा इनका जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है और न्यूक्लियाई जो होते हैं वो करीब रेड अपीयर होते हैं और इसके अलावा जो एथ्रोसाइट्स हैं या RBCs हैं वो येलो कलर में अपीयर होते हैं। जैसा कि मैंने बताया जो एल्शियन ब्लू है 2.5 ये भी एक्चुअली जो एसिड म्यूशन है उनको ब्लू स्टेन करती है और एल्शियन ब्लू जिसकी pH 1 है ये भी म्यूशंस को ब्लू ही स्टेन करती है। तो ये दोनों बेसिकली जो म्यूशन होता है या म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं उनको स्टेन करने के बाद इनका जो कलर डेवलप होता है वो ब्लू कलर होता है। तो यहाँ पे आप स्लाइड्स में देख सकते हैं कि जो हिस्टोपैथोलॉजिकल सेक्शन दिख रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों एल्शियन ब्लू स्टेन है, एक की pH 2.5 है, दूसरे की pH 1.0 है और दोनों ही जो है करीब करीब एक तो लाइट ब्लू स्टेन हुई है और दूसरा थोड़ा दूसरा भी लाइट पर्पल स्टेन हुआ है। तो ये दोनों जो सेक्शन है ये एल्शियन ब्लू से स्टेन किए गए थे, तो इनके बारे में भी आप इसको माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं। तो ये इस सेक्शन में आप लोग देख पा रहे हैं कि जो इंटेस्टाइनल गोबलेट सेल्स हैं जो कि एसिड म्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, तो जब इनको एल्शियन ब्लू से स्टेन करते हैं तो ये पर्पल स्टेन होते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि म्यूशन जो है वो पर्पल कलर का स्टेन हो गया है। वहीं अगर जो न्यूट्रल म्यूशन है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसको पास के द्वारा स्टेन किया जाता है, तो ये एल्शियन ब्लू स्टेन के बारे में था जो कि एक हिस्टोपैथोलॉजी में यूज करने वाली स्पेशल टाइप की स्टेन है। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। तो धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू।